करेज, आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। अभी हम देखेंगे यह सेशन में कि सम्मोहन की कितनी स्टेजेस है, कितनी अवस्था है। तो सम्मोहन की तीन अवस्था है मेनली, एक है लाइट ट्रांस, एक है मीडियम ट्रांस, एक है डीप ट्रांस। सम्मोहन को ट्रांस भी बोलते हैं, ट्रांस TRANC ट्रांस, या लाइट अवस्था, मध्यम अवस्था और गहरी अवस्था। अभी जो हल्की फुल्की पहली जो सम्मोहन की अवस्था है जिसको बोलते हैं लाइट ट्रांस, तो करीब करीब पहली अटेम्प्ट में, पहली बार यदि सम्मोहन करता है, यदि किसी को सम्मोहित करता है, तो 35% लोग, 35% लोग लाइट ट्रांस में जाते हैं। और लाइट ट्रांस इसका मतलब यह है कि उस समय वो व्यक्ति बैठे रहता है, रिलैक्स है, उसकी आंखें जो है तो आंखों की पलके जो है वो ऐसी लपलप लपलप कर रही है, इसका मतलब व्यक्ति जागरूक है मगर पूरा रिलैक्स है। उसको समझ में आ रहा है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, उसको सब लोगों की आवाज आ रही है। उसको समझो उसका हाथ ऐसा उठाया और छोड़ दिया तो ऐसा नीचे गिर जाएगा, इतना ढीला हुआ है, इतना ढीला हाथ हो गया है। और वो किस मतलब उसको समझ में आता है कि आजू बाजू में कौन क्या बात कर रहा है, सुना ही आता है, मगर वो पूरे लाइट ट्रांस में एक है, एक हल्की निद्रा जो है ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, लाइट ट्रांस। तो 35% लोग ये अवस्था में जाते हैं। फिर कुछ लोग पहली अटेम्प्ट में, पहले प्रयोग में मीडियम ट्रांस में जाते हैं, मध्यम अवस्था में जाते हैं। तो मध्यम अवस्था मतलब वो काफी एक ऐसी अवस्था है सम्मोहन की कि जिसमें जो आंखों की पलके वो लवलो नहीं कर रही, एकदम रिलैक्स है, उसके हलचल बहुत कम हो चुकी है, उसका हाथ ऊपर उठाया छोड़ गया तो गिर जाएगा, उसको आधा अधूरा मालूम रहता है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ याद आता है मतलब बाद में कुछ याद आएगा कुछ याद नहीं आएगा। सम्मोहन करता की सूचना वो लेता है, उसके हाथ पर कोई मक्खी वगैरह बैठ गई तो या मच्छर है तो वो कुछ मारेगा नहीं उसको, और वो सम्मोहन करता की सूचनाओं का पालन करता है। उस ये अवस्था में कॉन्शियस माइंड थोड़ा बाजू में हो जाता है, अभी अर्थात ये हाइपोथेटिकल है, बाजू में हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड सूचना ग्रहण कर सकता है। तो ये मीडियम अवस्था है, इसमें मतलब इसमें 35% लोग जाते हैं। अभी डीप ट्रांस है, गहरी अवस्था सम्मोहन की, तो उसमें तो पूरा एकदम डीपली वो सेडेटेड है, बहुत गहरी नींद की अवस्था में जैसा होता है वैसा है। सम्मोहन करता की सभी सूचनाओं का वो पालन कर सकता है, सभी जो सम्मोहन करता ने बोला वो सबका पालन कर लेगा। उसने बोला हाथ ऊपर उठाओ तो हाथ ऊपर उठाएगा, हाथ पीछे करो हाथ पीछे करेगा, उसको बोला डांस करो तो डांस करेगा, उसको समझो अभी निडल्स लिया और निडल सुई जो इंजेक्शन की वो आर पार लगा दिया और बोला कि अभी आपको दर्द नहीं होगा तो उसको दर्द नहीं होगा, उसको बोला कि आपके हाथ पैरालाइज हो गए तो वो हाथ पैरालाइज हो जाएगी। मतलब उसको जो भी बोला वो सच लगता है, उसको सारासार विचार करने की बुद्धि उस समय रहती नहीं है, वो अवस्था में डीप ट्रांस है। मगर उसको खतरा जहां होता है या हो सकता है वो उसको मालूम पड़ता है और वो उसका काम नहीं करेगा जहां खतरा है, मतलब खतरे वाला काम नहीं करेगा, उसको वो भान रहता है। मतलब उसको बोला कि भाई बहुत गर्मी हो रही तो वो शर्ट निकाल के बाजू कर देगा या बनियान निकालेगा मगर अंडरपैंट निकालेगा नहीं, वो मालूम रहता है कि नहीं ऐसा लोगों के सामने ऐसा नहीं करना करके, मतलब कहने का मतलब उसको उतना भान रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डीप ट्रांस में है तभी भी। तो ये डीप ट्रांस है, जो लोग डीप ट्रांस में जाते हैं उनको बहुत फायदा हिप्नोटिक सजेशन का होता है, सूचनाओं का बहुत ज्यादा होता है। तो 35 लाइट ट्रांस, 35 मीडियम ट्रांस और 25 डीप ट्रांस, 95% हो गए। और 5% लोग ऐसे होते कि जो ट्रांस में जाते नहीं, सम्मोहन उनके ऊपर असर ही करता नहीं, कुछ नहीं होता है, तो वो है नो ट्रांस वाले, मतलब सम्मोहन होता ही नहीं ऐसे। तो ऐसे तीन अवस्था है और ज्यादातर लोग जो है वो कौन से एरिया में, लाइट और मीडियम। मगर अभी प्रैक्टिस यदि करते हैं, बहुत ज्यादा उसका सराव करते हैं तो लाइट वाला मीडियम में जा सकता है, मीडियम वाला डीप में जा सकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता। और जैसा मैंने बोला कि भाई आपको यदि फायदा लेना है सम्मोहन का तो फिर वो डीप में जाना आवश्यक है। वैसे देखा जाए इसका मतलब ये भी नहीं कि लाइट में, लाइट ट्रांस में और मीडियम ट्रांस में फायदा होगा नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट ट्रांस में भी फायदा होता है, मीडियम ट्रांस में भी फायदा होता है। तो ये तीन अवस्था है। अभी लाइट ट्रांस में कैसा फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। एक हमारा दोस्त है, उसको क्या हो गया, उसके लॉकर की चाबी घूम गई। अब लॉकर की, बैंक का लॉकर है, चाबी घूम गई, मिल नहीं रही है, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वो बैंक को, मतलब बैंक मैनेजर को अप्रोच करता है, बोलता है कि मेरी चाबी घूम गई अब क्या करें। बोले हमको स्टेट बैंक है, हमको रीजनल ऑफिसर को लिखना पड़ेगा, रीजनल ऑफिसर वो हेड ऑफिस को लिखेंगे, वहां से फिर काफी सारी प्रोसेस है और आपको 1.5-2 महीना लग जाएंगे। इसको तो बहुत आवश्यकता थी पेपर्स की और जल्दी आवश्यकता थी, मतलब 1.5-2 महीना रुकना संभव नहीं था, पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने उसको बताया कि आप ऐसा करो, अभी आप लाइट ट्रांस में जाओ, सम्मोहन में ऐसा 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 करो, घर में जाके बैठो, पूरा शरीर रिलैक्स करो और रिलैक्स करके आप देखो कि मैंने कहाँ चाबी रखी हुई है। जस्ट गो बैक, पीछे 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 जाओ और देखो कहाँ तक आप जा सकते हो और चाबी कहाँ देखा, कहाँ रखा, आपको याद आ रहा क्या। ऐसा करो मैंने बोला, जाके आराम से बैठो
कोई भारी आवाज में सुनो, कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, और देखना है कि आपको क्या संभव है। तो बोले ठीक है मैं करता हूँ। वो घर पे गया, सम्मोहन की अवस्था में बैठा और पीछे 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 गया कि भाई कब आखिरी का कब मैंने, मेरे पास में चाबी थी, आखिरी बार कब थी चाबी। और वो जब उसको ख्याल में आया कि आखिरी बार मेरी, मेरे हाथ में चाबी जो थी वो 6 महीने पहले थी, और वो मैंने एक कब्बड़ है वो कब्बड़ के ऊपर के बाजू में कोने में रखी थी क्योंकि बच्चों के हाथ में ना लग जाए, फटाक से उसको एकदम याद आ गया और उसने जाके वहां से चाबी निकाल ली। कहने का मतलब है कि रिलैक्स यदि अवस्था है तो हमारे अंतर्मन में जो 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 स्टोर किया गया है मेमोरी बैंक में वो कभी भी बाहर हम निकाल सकते हैं। उसके लिए सम्मोहन की अवस्था में गए तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी फायदा हो जाता है और अंदर जो भी दबा हुआ है वो बाहर निकल सकता है। तो यह लाइट मीडियम और डीप ट्रांस सम्मोहन की अवस्था और इसमें स्टेजेस में कैसे कैसे लोग जा सकते हैं, और हमारा मकसद है प्रैक्टिस करके डीप ट्रांस में जाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।